नमस्कार मेरे दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स का एक नया टॉपिक, वैद्युत प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आइए सीखते हैं वैद्युत प्रतिरोध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। फर्स्ट फैक्ट क्या कहता है, आपको ओम के नियम में प्रूव कराया गया है R बराबर M बटा के N स्क्वायर, क्या N E स्क्वायर टाउ L बाई A, R बराबर इसके स्थान पर रो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, रो L बाई A, जहां रो क्या होता है भैया, जहां रो होता है विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक होता है ओम मीटर, L क्या है चालक तार की लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, R क्या है वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है ओम। ये जो सूत्र है R बराबर रो L बाई A, इसे हम कहते हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध, क्या कहते हैं प्रतिरोध तथा विशिष्ट प्रतिरोध में संबंध इसे कहते हैं। आगे दूसरा फैक्ट क्या कहता है, R का SI मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, याद रखिएगा R का जो SI मात्रक होता है, R का है तो वैद्युत प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है क्या होता है वोल्ट प्रति एम्पियर या ओम होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा फैक्ट क्या कहता है, प्रतिरोध का मिनी सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मिनी सूत्र क्या होता है, देखिए प्रतिरोध को मिनी सूत्र निकालने के लिए मैंने ओम का नियम इस्तेमाल किया, ओम के नियम से भी अपान आई बराबर क्या होता है आर होता है, आर बराबर भी बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू, आप विभवांतर परिभाषा से भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू लिख सकते हैं, बटा के आई, आई पूरा हो जाएगा भी के नियम से क्यू में, तो डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा क्यू पूरे आई, W को W लिखेंगे, Q बराबर होता है IT, यहाँ लिखेंगे IT, किसके परिभाषा से धारा परिभाषा से, धारा बराबर धारा I बराबर QIT से, यहाँ से Q को मैंने IT रख लिया, I पहले से मौजूद है, I में I को मल्टीप्लाई हुआ क्या हो जाएगा I स्क्वायर T है तो T, W बटा के I स्क्वायर T हो जाएगा, R का बिमी सूत्र, जब बिमी सूत्र लिखा जाता है उससे बड़ा कोष्ठक लिखा जाता है, तो R का बिमी सूत्र बराबर हो जाएगा कार का बिमी सूत्र, कार का बिमी सूत्र ऊर्जा के बिमी सूत्र के बराबर होता है, और इसका बिमी सूत्र होता है एम एल टू टी माइनस टू होता है, स्क्वायर नहीं पढ़ते टू पढ़ते हैं, और धारा धारा का सूत्र क्या होता है a, a स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहां दो है, t क्या समय, समय का सूत्र क्या हो जाएगा t, अब देखिए पहले m को लिखा जाता है, m लिख लिया, एक ही m है, फिर m को लिखा जाता है l2 होता है l2 लिख लीजिए, t पर या प्लस 1 है ऊपर जाएगा क्या जाएगा t पर माइनस 1, t पर माइनस 1 और t पर माइनस 2 कितना हो जाएगा t पर माइनस 3, और एक पर प्लस 2 है जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1 पर माइनस 2 हो जाएगा, तो r का बीमी सूत्र हो जाएगा m l2 t माइनस 3 a माइनस 2, पहले m को लिखा जाता है, फिर l को लिखा जाता है, फिर t को लिखा जाता है, फिर a को लिखा जाता है, फिर थीटा को लिखा जाता है, इस तरह से, ठीक है। चौथा फैक्ट क्या कहता है, प्रतिरोध का संयोजन, क्या प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जाता है सर्किट में, पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं, यदि पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़ा हो, तो जोड़ने किस प्रकार के क्रम को क्या कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन को कुछ इस प्रकार जोड़ा जाता है, हालांकि मैंने दो प्रतिरोध जोड़ा है, आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितना जोड़ सकते हैं, बस आप क्या करिएगा पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़िएगा, दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे जुड़िएगा, जोड़ने किसी प्रकार क्रम को क्या कहते हैं श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आता है R बराबर R1 प्लस R2, R1 क्या है पहला प्रतिरोध है, R2 क्या है दूसरा प्रतिरोध है, दूसरा जो संयोजन होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है भैया, यदि सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा पहले बिंदु पर और दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा हो, तो जोड़ने किस प्रकार क्रम क्या कहते हैं समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है इसको समझते हैं, तुल्य प्रतिरोध 1 पर R बराबर होता है 1 पर R1 प्लस 1 पर R2, अगर 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 पर R3, 4 हो जाएगा तो प्लस 1 बटा के R4 लिखते चले जाएंगे। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो R का मान आएगा R1 R2 बटा के R1 प्लस R2, इस तरह से हम क्या करते हैं समांतर क्रम में श्रेणी प्रतिरोध को जोड़ते हैं। देखिए दोनों प्रतिरोधों का पहला सिरा यहां पर जुड़ा है और दूसरा सिरा यहां जुड़ा है, ये कौन सा क्रम हो जाएगा समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। पांचवा फैक्ट क्या कहता है, यदि किसी तार को मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए मोड़ दिया जाए, यदि किसी तार को मोड़ दिया जाए तो क्या तार का प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, जी नहीं, तार का प्रतिरोध वही रहेगा। आपसे बार बार पूछा जा सकता है कि यदि किसी तार का प्रतिरोध आ रहा है अब उस तार को मोड़ दिया जाए तो क्या प्रतिरोध चेंज हो जाएगा, नहीं, प्रतिरोध आर का आर रहेगा। तो वही लिखा यहां पर कि यदि किसी तार को मोड़ने पर तार का प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अगर एक सीधा तार है इसकी सीधे तार का प्रतिरोध आर है तो अगर इसको मोड़ दिया जाए इस तरह से तो इस तार का प्रतिरोध अभी भी कितना होगा आर होगा, मतलब तार को मोड़ने से उसके प्रतिरोध के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। अब आगे इसको हम एक्सिट करते हैं। नमस्कार, आइए अब आगे सीखते हैं इसके फैक्ट को, आगे प्रोसीड करते हुए छठवां फैक्ट सीखते हैं। छठवां फैक्ट क्या कहता है, विशिष्ट प्रतिरोध का जो मान होता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात विशिष्ट प्रतिरोध को हम रो से पद करते हैं, रो का मात्रक हमने उस क्लास में बताया, क्या बताया ओम मीटर बताया, तो आपको याद होना चाहिए विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो किस पर निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर एल्युमिनियम का तार है तो उसको खींच कर लंबा कर देंगे तभी रो उसका रो फिक्स रहेगा, वो रो चेंज नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है कि खींचने के बाद वो सोना बन जाए, अगर ऐसा होता तो समझिए हर व्यक्ति राजा हो जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। आइए अगला फैक्ट सम्बन्ध देखते हैं,
धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध अथवा रुकावट को क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। क्या? धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध अथवा रुकावट को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। जैसे आप रास्ते में चलते हैं तो डिवाइडर आता है, डिवाइडर क्या काम करता है? आपकी स्पीड को रोक देता है, यानी आपके आपकी गाड़ी का क्या है? अवरोधक है, मतलब आपकी स्पीड का अवरोधक है, वो स्पीड को रोक रहा है। तो सिमिलरली धारा के मार्ग में जो उत्पन्न अवरोध अथवा रुकावट है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा क्या होता है, इसको सीखिए। दूसरा परिभाषा क्या कहता है? यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप दाब आदि, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए, क्या कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर भी एवं प्रवाहित धारा I का अनुपात वैद्युत प्रतिरोध कहलाता है। इसे ही ओम का नियम कहते हैं, अर्थात V / I / R होता है। आपको बता दें, सन 1828 ईस्वी में जार साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया था, जिसे हम क्या कहते हैं? ओम का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार अगर किसी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात एक नियतांक होता है, इसी नियतांक को हम क्या कहते हैं? वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध को आर प्रति कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, या इसको हम वोल्ट प्रति एम्पीयर भी कहते हैं। एक ओम बराबर एक वोल्ट बटा के एक एम्पीयर होता है। अभी अठवां पॉइंट कहता है कि प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। क्या ताप का भी रेजिस्टेंस पर प्रभाव पड़ता है? जी हाँ, किसी चालक तार का ताप बढ़ाने पर श्रांति काल का मान घटता है। क्या? श्रांति काल का मान टाउ घटता है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता है। याद रखिएगा, अगर आप ताप को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, तो श्रांति काल टाउ का मान क्या होगा? घटेगा। श्रांति काल टाउ का मान क्या होगा? घटेगा। जब इस सूत्र के अनुसार आर बराबर, मैंने उस क्लास में बताया था, आर बराबर एम बटा के, एम ई स्क्वायर टाउ एम बटा के, अगर टाउ घटेगा तो बताइए आर क्या होगा? बढ़ेगा। यही कारण है कि प्रतिरोध बढ़ाने पर, सॉरी, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। श्रांति काल क्या होता है? मैंने श्रांति काल बता रखा है। शांति काल किसे कहते हैं? किसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के किन्हीं दो क्रमागत टकरों के बीच लगा समय क्या कहलाता है? शांति काल कहलाता है। शांति काल को टाउ से अधिक करते हैं। ठीक है, ये मैंने अगली क्लास में आपको बता दिया है। अभी नवां पॉइंट कहता है कि प्रतिरोध पर ताप पर प्रतिरोध का निर्भरता। क्या ताप प्रतिरोध पर निर्भर करता है? जी हां, जब अफेक्ट कर रहा है तो निर्भर करेगा ही। इसका सूत्र होता है आरटी बराबर आर नॉट बेकिन 1 + अल्फा टी। आरटी क्या? टी डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक तार का प्रतिरोध है। आर नॉट क्या? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर चालक तार का प्रतिरोध है। अल्फा क्या है? प्रतिरोध ताप गुणांक है। इसका मान, इसका मात्रक प्रति डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और चालक के लिए इसका मान क्या होता है? धनात्मक होता है। टी क्या है? टेम्परेचर है। टी क्या है? टेम्परेचर है। आगे दसवां पॉइंट क्या कहता है? यदि तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दिया जाए, यदि चालक तार की लंबाई खींचकर n गुना कर दिया जाए, तो तार का नया प्रतिरोध r प्राइम बराबर हो जाएगा n स्क्वायर r। n गुना मतलब जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना 7 गुना 8 गुना 9 गुना ऐसे कुछ करते हैं। जैसे हम कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी तार की लंबाई खींचकर 2 गुना कर दिया, उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर किसी चालक तार की लंबाई खींचकर 3 गुना कर दिया गया, तो उसका प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा? 9 गुना बढ़ जाएगा। इस सूत्र के अनुसार इसका प्रूफ भी आपको अगले वीडियो में भेज दिया गया है, आप जाकर मेरे चैनल पर YouTube पर देख सकते हैं। ठीक है, बाबा फिजिक्स वाला के चैनल पर आप सर्च मारेंगे, आपको ये मिल जाएगा कि किसी चालक तार की लंबाई अगर खींच कर n गुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाता है, इसका प्रूफ भी आपको मिल जाएगा। आई होप इस चीज को समझे होगा। अगर समझ आया हो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सेंड करें और अपना पढ़ाई को प्रस्थान करें। सिंबल क्लासेस सबके साथ साथ बाबा फिजिक्स वाला में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद।